हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट दादा पर। अभी मैं हूँ भीमताल में और ये आप पूरा देख सकते हैं, भीमताल लेक यहाँ पर है। और अगर आप भीमताल आना चाहते हैं और यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं और आप होटल ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको अभी एक बहुत ही अच्छा होटल दिखाऊँगा, दी टैग रिजॉर्ट्स लवानिया, जो कि भीमताल लेक के जस्ट सामने है। उसको एक्सप्लोर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा यहाँ के रूम चार्ज क्या है और क्या क्या कैसा रूम रहेगा, रेस्टोरेंट कैसा है, और यहाँ पर जो जिम का एरिया है वो भी मैं आपको बताऊँगा, पूल कैसा है यहाँ का, तो सारा कुछ एक्सप्लोर करूँगा। और आप वीडियो में बने रहिएगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं दी टैग रिजॉर्ट्स लवानिया। जस्ट ही सामने भीमताल लेक का व्यू एंजॉय करिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और ये व्यू एंजॉय करिए आप, क्या गजब का व्यू लग रहा है। और यहाँ से ये मेन रोड नीचे से आई हुई है और मुश्किल से 200 मीटर आप जैसे ही ऊपर आएंगे तो ये टैग रिजॉर्ट्स पड़ता है। सारे रूम जितने भी हैं, सारे बालकनी वाले रूम आपको भीमताल लेक फेसिंग ही दिखेंगे ऊपर से। ये टैग रिजॉर्ट्स लवानिया का आप देख सकते हैं, रिसेप्शन एरिया है दी टैग रिजॉर्ट लवानिया का। और यहाँ पे बाकी सब कुछ लगा हुआ है कि टाइमिंग क्या है, मेल की टाइमिंग, आउटसाइड फूड अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे। और जब भी आप आएंगे होटल में तो आप यहाँ से आप चेक इन कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी गोएबे पे 4.3 की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फर्स्ट रेस्टोरेंट यहाँ है और सेकंड ऊपर है। तो पहले मैं आपको यहाँ का फर्स्ट रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ। ये मेनली इनका फर्स्ट रेस्टोरेंट है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है और जस्ट लेक के बगल में ही है। जैसे ही आप यहाँ पर अगर कुछ भी लंच डिनर या ब्रेकफास्ट करेंगे तो आप आराम से यहाँ पे भीमताल लेक का एंजॉय कर सकते हैं। पूरा सब कुछ आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये देखिए। बाकी यहाँ के ब्रेकफास्ट में अभी सब कुछ तैयार है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं होटल के 3rd फ्लोर पे और यहाँ पे जो है ये भीमताल रिजॉर्ट्स का बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप मीटिंग वगैरह कराना चाहते हैं तो उसकी भी स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे एक हॉल है जहाँ पर आप अपनी अगर मीटिंग कराना चाहते हैं, आप 20-25 लोग टुगेदर, तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। मैं बैक कैमरे से एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ होटल के टेरिस पे और यहाँ से पूरा व्यू चेक करिए, पूरा भीमताल लेक का पूरा व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम भी यही है और होटल भी, क्योंकि यही बेस्ट है क्योंकि यहाँ से आपको जस्ट सामने भीमताल लेक है और आप यहाँ से बैठ के पूरा एंजॉय कर सकते हैं भीमताल लेक का और भीमताल सिटी का आप देख सकते हैं पूरा। और बोटिंग वगैरह भी आप यहीं पर से ही बुक कर सकते हैं और यहीं कर सकते हैं। बगल में 100 मीटर पर आपको लेक है जस्ट सामने ही। और यहाँ से अभी वेदर यहाँ का एंजॉय करिए, देखिए कितना गजब का व्यू। ये होटल के अभी मैं टेरिस 3rd फ्लोर पे हूँ और यहाँ पर झूला वगैरह भी लगा हुआ है। अगर आप आराम से शाम को बैठ के, अगर आज छोटी पार्टी है, आप 10-12 लोग हैं और रात में आपको ड्रिंक्स वगैरह या स्नैक्स आप यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी पार्टी अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको अपने रूम में चलते हैं। 214 नंबर रूम था हमारा और ये हम जब जैसे ही रूम में एंट्री करेंगे, ये कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है। इधर कैटल्स वगैरह रखी हुई है, इधर टीवी वगैरह लगी हुई है, इधर चेयर्स पड़ी हुई हैं। ये लग्जरी बेड है हम कह सकते हैं क्योंकि 2 लोग के लिए सफिशिएंट स्पेस है इसमें। इधर बाकी सब एसी वगैरह है। और अभी यहाँ से हम पूरा व्यू चेक कराते हैं आपको भीमताल का। ये देखिए दी लवानिया टैग रिजॉर्ट्स था हमारा और यहाँ से व्यू चेक करिए, पूरा भीमताल का सिटी हम लोग को यहाँ से दिखेगी। ये देखिए मैं जूम करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये एक्वेरियम भी यहाँ से दिख रहा है जो सेंटर में है भीमताल के। ये पूरा व्यू चेक करिए आप। और ये मेरे रूम का व्यू था। मेरे हिसाब से जब भी आप भीमताल आए तो टैग रिजॉर्ट लवानिया में ही स्टे करें क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी फैसिलिटी भी है। और ये हमारे रूम का वॉशरूम था, काफी सही है, वेल एंड गुड एंड क्लीन ऑल्सो। दोस्तों ये है होटल का जिम एरिया। अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं और आप मॉर्निंग टाइम आपको कुछ वर्कआउट करना है तो आप इस जिम एरिया में आ सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।